दोस्तों आईपीएल 2024 का ऑक्शन 19 दिसंबर का दुबई में खत्म हुआ, जिसमें सभी 10 टीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे मिले, जबकि कुछ खिलाड़ियों को काफी कम रोकड़े मिले। हालांकि आईपीएल ऑक्शन से पहले 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस ने एक बड़ा फैसला किया था। उन्होंने गुजरात टाइटंस से हार्दिक पंड्या को ट्रेड कर अपनी टीम का हिस्सा बनाने के अलावा उन्हें रोहित शर्मा की जगह पर कप्तान भी नियुक्त कर दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो रोहित अब मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल रोहित शर्मा पिछले 10 साल से मुंबई की कप्तानी संभालते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साल 2013 से इस टीम की कमान संभाली है और अपनी कप्तानी में ही उन्होंने मुंबई को 5 बार का खिताब जिताया है। लेकिन आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले मुंबई टीम मैनेजमेंट ने उन्हें कप्तानी से हटाने का फैसला किया है। उन्हें अचानक इस तरह हटाना क्रिकेट फैंस को भी रास नहीं आया। हालांकि अब वे एक बड़ा फैसला उठा सकते हैं। दरअसल आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद 20 दिसंबर से आईपीएल 2024 के लिए ट्रेड विंडो खुला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब वे आगामी सीजन से पहले मुंबई इंडियंस का खेमा छोड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रेड विंडो खुली है और वे आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। वे किसी और टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी एक नई टीम तैयार कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें ट्रेड करने के लिए मुंबई मैनेजमेंट से बात की थी। हालांकि अब तक उन्होंने इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की है। दोस्तों क्या आप रोहित शर्मा को मुंबई में देखना चाहते हैं या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।